नमस्कार दोस्तों, पीएलसी आरडीएचएम चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में पशुधन सहायक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 15 लेके आया हूँ। जिस भी दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी दबा ले, जिससे कि मैं जितने भी वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और उससे आपको लाभ हो। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। अपने क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ दोस्तों। क्या है, मैंने जो पिछला वीडियो डाला था उसके एक दो वीडियो थे, उसके अंदर कुछ ही क्वेश्चनों में बाई द गलतियाँ हो गई थी, मिस्टेक आ, तो उनको मैंने सुधार किया है। कई दोस्तों ने कमेंट करके बताया कि सर इसका आंसर में मिस्टेक है। तो दो तीन क्वेश्चन थे उनमें जो आंसर में मिस्टेक थी, बोलने में मिस्टेक हो गई, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो एक क्वेश्चन था, हूडा सम्मेलन कब हुआ था? हूडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 के अंदर हुआ था। और एक और क्वेश्चन था, किस शासक को हिंदुपत शासक के नाम से जाना जाता है? तो वो राणा सांगा था। और एक और क्वेश्चन था जिसका मुझे आंसर कन्फर्म नहीं था, तो उसका कमेंट बॉक्स में दोस्त ने बताया, रेंडर पेस्ट रोग का रोग कारक कारण है, तो वो मॉर्बलिन वायरस के द्वारा होता था। और एक क्वेश्चन और था, वो मैंने पिछला वीडियो डाला था भाग 13 वाला, उसके अंदर ब्लड ग्रुप से रिलेटिव वीडियो था, उसमें बोलने में मिस्टेक हो गई थी। तो वो किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? तो वो ए बी जो रुधिर वर्ग होता है वो सर्वग्राही रुधिर वर्ग, उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। तो दोस्तों, ये दो तीन चार क्वेश्चन थे, उसके अंदर बाय द मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक हो जाती है, काफ़ी जांच के बाद भी मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। लेकिन गंदे कमेंट्स ना करें दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चनों की ओर। लंगड़ा बुखार फड़ सूजना किस बीमारी का उपनाम है? तो ये BQ बीमारी का उपनाम है, यानी ब्लैक क्वार्टर का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुडन टंग किस बीमारी का विशेष लक्षण है? तो वुडन टंग एक्टिनोबेसिलोसिस बीमारी का लक्षण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्र के कार्य में अवरोध होने से हो जाता है? तो वक्र के कार्य में अवरोध होने से यूरेमिया नामक रोग हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियर स्कार नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो ये तांबा की कमी से होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस कारण से पाइलेनोफ्राइटिस होती है? तो यह कोरिनोबैक्टीरियम रिनेल के कमी से होती है। और नेक्स्ट है दोस्तों, कीटोसिस को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो कीटोसिस को कीटोनूरिया और हाइपोग्लाइसीमिया नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जून 2018 को राजस्थान के किस पैरा एथलीट के द्वारा पेरिस में चल रही वर्ल्ड पैराग्राफी में गोल्ड मेडल जीता? तो सुंदर गुर्जर थे दोस्तों। मैंने इस वीडियो में पाँच सात क्वेश्चन करंट अफेयर से भी रिलेटिव मैंने इसमें शामिल कर दिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जून 2018 को उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर का नया उप महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया? तो ये शशिकिरण को उप महाप्रबंधक नियुक्त किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून 2018 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ? तो ये कोटा जिले के अंदर हुआ था। और नेक्स्ट है, जून 2018 में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में राजस्थान की जल संरक्षण में देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था राजस्थान को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 जून 2018 को भारत व रूस के संयुक्त प्रयासों से विकसित स्मच मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से किया गया? तो जैसलमेर जो फील्ड फायरिंग रेंज है उससे किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जून 2018 को वायुसेना अकादमी हैदराबाद ने राजस्थान राज्य के किस जिले में शहीद कैप्टन
कैप्टन चंद्र चौधरी के सम्मान में लड़ाकू विमान स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। तो ये बीकानेर जिले के अंदर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जून 2018 में राज्यपाल को दिया जाने वाला गार्ड ऑफ ऑनर की परंपरा को बंद करने वाला देश का पहला राज्य, तो ये राजस्थान राज्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 जून 2018 को सिंधी समाज को सिंध महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह जयपुर ज़िले के अंदर किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार के अंतर मंत्रालयीन टास्क फोर्स के सर्वे में मेलाडोने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2018 में ई कचरे की समस्या पर लगाम लगाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पुराने फोन कंप्यूटर राउटर व अन्य बेकार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने की योजना शुरू की, तो राजस्थान राज्य ने की थी दोस्तों। और नेक्स्ट है, 6 जून 2018 को राजस्थान सरकार द्वारा जारी सूचना के अनुसार अकुशल श्रमिक की दैनिक मजदूरी 207 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी, तो ये 213 रुपये कर दी दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 जुलाई 2018 को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिवेंस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया, तो ये सीआर चौधरी के द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। तो दोस्तों, मैंने करंट अफेयर से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने इसमें सम्मिलित किया, क्योंकि जो भी पिछली एग्जाम हुई थी उनके अंदर करंट अफेयर से रिलेटिव काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए मैंने ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन थे वो मैंने इसमें सम्मिलित किए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के पास शेयर भी करना और सब्सक्राइब करना मत ना भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी भी आहार का TDN ज्ञात करने के लिए उसके ईथर एक्सट्रैक्ट को गुणा किया जाता है, तो इसे 2.25 से गुणा किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूसे को कितने प्रतिशत के यूरिया के घोल से उपचारित करते हैं, तो इसे 4% यूरिया के घोल से उपचारित करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं के आहार में दाना होना चाहिए, तो पशुओं के आहार में 1/3 दाना होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आमाशय के अंदर पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हे में कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए, तो हे के अंदर 10-20% नमी होनी चाहिए। और नेक्स्ट है, साइलेज में कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए, तो साइलेज के अंदर 45-55% नमी होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य प्रसंस्करण का काम है, तो खाद्य प्रसंस्करण का काम पाचकता बढ़ाना, पोषण तत्वों की कमी को पूरा करना, उत्पादन बढ़ाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन में कितना प्रतिशत सल्फर होता है, तो ऊन के अंदर 4% सल्फर होता है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंजका व सोयाबीन में कौन सा एंटी न्यूट्रिएंट होता है, तो यह ग्लूकोसिनोलेटस है, जो एंटी न्यूट्रिशियन है वो उपस्थित होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संकर बछिया में किस अवस्था में रक्त स्राव होता है, तो यह मेटास्टेसिस अवस्था के अंदर ही रक्त स्राव होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पशु इसोनली पॉलीस्टेरस है, तो यह भैंस, घोड़ा और भेड़ सभी इसोनली पॉलीस्टेरस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े में वीर्य संग्रहण की उत्तम विधि है, तो घोड़े में वीर्य संग्रहण की उत्तम विधि AV है। और नेक्स्ट, दो मद के बीच की अवधि को कहते हैं, तो दो मद के बीच की अवधि को डाईस्ट्रस कहते हैं। और नेक्स्ट है, मुर्गे की अंडवाहिनी के कितने भाग होते हैं, तो मुर्गे के अंडवाहिनी के 5 भाग होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में गर्भपात का कौन सा रोग परजीवी से होता है, तो पशुओं में गर्भपात का रोग ट्राइकोमोनियसिस नामक परजीवी से होता है। और नेक्स्ट है, कौन से पशु में काव पर ग्रंथि अधिक विकसित होती है, तो ये सुअर के अंदर होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुर्गी की अंडवाहिनी का कौन सा भाग सबसे लंबा होता है, तो मुर्गे की
मैग्नम अंडवाइनी का भाग सबसे लंबा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में शुक्राणु का सिर किसकी आकृति का होता है? तो यह कॉर्क स्क्रू की आकृति का होता है। और नेक्स्ट है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह इंटरस्टाइट सेल के द्वारा स्रावित होता है। और नेक्स्ट है दोस्तों, फेफड़े के बाह्य आवरण की सूजन को कहते हैं, तो फेफड़ों के बाह्य आवरण की सूजन को प्लूरेसी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पेशाब में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, तो ऐसी स्थिति को हीमोग्लोबिनूरिया कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया निम्न में से किस कारण से होता है? तो यह क्लोस्ट्रीडियम हीमोलिटिकम की वजह से होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचएसव एंथ्रेक्स निम्न में से किस प्रकार की बीमारी है? तो यह एंडेमिक प्रकार की बीमारी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तिरवा रोग निम्न पशुओं में मुख्यतः किस पशु से संबंध रखता है? तो यह ऊँट में रखता है। और नेक्स्ट है, ऊँट की नाड़ी दर होती है, तो ऊँट की नाड़ी दर 32 से 50 पर मिनट होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोबेनग नामक उपकरण किसके निदान में काम आता है? तो यह चोक के निदान में काम आता है। और नेक्स्ट है, डायफ्रामेटिक हर्निया साधारणतः पाया जाता है, तो यह भैंस और गाय में पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग से भारत मुक्त है? तो यह भारत आरपी से मुक्त है, आरपी यानी रेंडर पेस्ट नामक रोग उससे भारत मुक्त है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पिनवार्म कहते हैं? तो ऑक्सी यूरिसिस है, उसे पिनवार्म कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जुलाई 2018 को किसके द्वारा राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय दहमी कला जयपुर से अन्नपूर्णा दुग्ध योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 जून 2018 को निम्न में से किसे राजस्थान भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो मदन लाल सैनी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जून 2018 को कांस इंटरनेशनल के सिटुअल ऑफ क्रिएटिविटी में किसे द लाइन्स ऑफ सेंट मार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह पीयूष पांडे और प्रसून पांडे को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, 15 जून 2018 को राजस्थान के किस व्यक्ति को अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर महेंद्र जैन को अमेरिका के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी सावधानी बरती है, फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों मिस्टेक हो जाती है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अवगत कराना। पर अब यानी कि गलत भाषा का प्रयोग मत करना दोस्तों। सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।